केवल वीकेंड का वार करीब हो और इस बारे में चर्चा ना हो कि आखिरकार कौन से मुद्दे उठ सकते हैं इस हफ्ते, ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं इस बारे में कि आखिरकार कौन से हैं वो मुद्दे जिन पर सलमान खान लगा सकते हैं कंटेस्टेंट की क्लास। नमस्कार, मैं हरदम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। कई सारे मुद्दे हुए हैं खैर बिग बॉस के इस हफ्ते के घर में, और कहीं ना कहीं लाजमी है कि क्लास तो हर किसी की लगने वाली है जिस तरह से टास्क के दौरान हरकतें हुई है। तो यहाँ पर पहला मुद्दा हमारे हिसाब से लगता है कि पहला मुद्दा ये हो सकता है कि सलमान खान ने इस बात को कहा था कि देखो, कभी भी वीकेंड के वार पर जो चीज होती है या जो शब्दों का मैं इस्तेमाल करता हूँ उन्हें वीकडेज में आप कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आप दोहरान नहीं सकते हैं। लेकिन राहुल वैद्य ने दरअसल ये गुनाह कर ही डाला। जी हाँ, राहुल वैद्य ने रुबीना दिलाए के रोने का मजाक बनाते हुए और उनके बारे में बात कहते हुए जो है इस बात को उठाया, जिसके बाद में लगता है कि राहुल वैद्य की क्लास भी लग सकती है। दूसरी चीज लग सकती है, रुबीना को अगर टारगेट ना किया जाए तो भैया वीकेंड का वार खत्म कैसे होगा। जी हाँ, कहीं ना कहीं लगता है कि इस वीकेंड के वार पर रुबीना दिलाय को भी टारगेट किया जाएगा, क्योंकि रुबीना ने जो पुश नहीं मैं बोलूंगी, जो टच जो हुआ उसकी वजह से इशू बना था लास्ट टाइम एजाज खान को लेकर, तो ये वक्त पर कितना यहाँ पर रिएक्ट करते हैं सलमान खान वो वक्त आने पर पता चलेगा। साथ में रुबीना तो छोड़िए, अभिनव को कितनी क्लास लगने वाली है, क्योंकि अभिनव ने राहुल वैद्य को धक्का भी दिया है। यहाँ पे तीसरी चीज एलिगोनी और अभिनव की चीजों को लेकर भी हो सकती है, जो दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं उन इस मुद्दे को भी उठाया जा सकता है कि जिस तरीके से एली ने चीजें बोली हैं अभिनव को, और मुंह तोड़ने वाली बात या थूक के चाटने वाली बात, मतलब कुछ भी हो सकता है। वह चौथे नंबर पर आ जाती है निकिता अम्बोली। जी हाँ, निकिता अम्बोली ने जिस तरीके से देवोलीना का जीना हराम किया है और साथ ही यहाँ पर बहुत सारी चीजें बोली है, मी टू मूवमेंट वाली बात कह दी है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि इस बात को लेकर भी उन्हें बैश किया जा सकता है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण झगड़ा जिसका प्रोमो भी आ चुका है, और वो है सोनाली फोगाट, अर्शी खान और रुबीना दिलायक और निकिता अम्बोली, इनके बीच का झगड़ा है, और इन जो ये रोटी फेंकने वाला उसमें किस्सा हुआ है, इसको लेकर भी बैश आउट हो सकती है सोनाली फोगाट। हो सकता है कि अर्शी खान और रुबीना दिलायक को भी कुछ ना कुछ कहा जाए, निकिता अम्बोली को भी स्पेशली कुछ ना कुछ कहा जाए, क्योंकि बदतमीजी को लेकर। सो गाइस, आपको क्या लगता है, ये कुछ मुद्दे हैं जो हमें लगता है कि ये वीकेंड के वार पर उठने ही चाहिए। अब आपको क्या लगता है, क्या ये मुद्दे सही हैं, या आपके हिसाब से कोई ऐसा मुद्दा है जो हमने मिस कर दिया हो लेकिन आपको याद हो तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।